नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुई थी, वेलकम माय चैनल। तो देखिए मेरा आपका हाल कैसा है, पूरा काला काला हो गया। दो दिन से बहुत लेट में सोती और सुबह सुबह उठ जाती हूँ इसीलिए शायद। और पूरा स्किन इतना ख़राब हो गया ना, अहमदाबाद का वेदर इतना ख़राब है तो क्या करूँ। तो मैं अभी बनाऊँगी डेजर्ट, बांग्लादेश का डेजर्ट बनाऊँगी, तो इसका नाम है पोटिंग। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ पहले। और इस डेजर्ट बनाने के लिए चाहिए दूध और एग। तो अभी मैं दो लीटर दूध का पुटिंग बनाने वाला हूँ। तो अभी दूध उबालने के लिए रख दिया ऑलरेडी मैंने, ये जो यहाँ पे दूध रख दिया। तो दो लीटर दूध के लिए चार अंडा चाहिए और एक लीटर दूध के लिए दो अंडा चाहिए, 500 ग्राम दूध के लिए एक अंडा चाहिए, 250 ग्राम दूध के लिए आधा अंडा चाहिए। ऐसी पुटिंग बनाते हैं, इसका मेजरमेंट ऐसे होते हैं। बिकॉज जो 2 लीटर दूध मैंने लिया उसको मैंने उबाल उबाल के 1 लीटर कर दूंगी, और इसके मैं पाउडर मिल्क भी डालूंगी, इससे थोड़ा सा मोटा होता है, अच्छा भी होता है। और यहाँ पे मैंने दूध रखा छोटा वाला में पनीर बनाने के लिए। इसका रेसिपी कभी दूसरे दिन दिखाऊंगी, परफेक्ट वाला सॉफ्ट वाला पनीर, एकदम क्या बोलते हैं, चीज़ जैसे होंगे, फोम फोम वाला, बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी दूध ऑलरेडी उबल गया, 1.5 लीटर और नहीं है बल्कि और भी उबलेगा। तो ये जो अंडा रखा है इसको फ्रिज में से निकल देना पड़ेगा, ठंडा अंडा से बिल्कुल नहीं बनेगा। और बाकी मैं देखा देता हूँ आगे क्या करना है। 1 घंटा पहले मैंने निकाल दिया, अभी तक नॉर्मल हो गया। और दूध ठंडा होने के बाद ही पहले उसको उबाल लेने का, बाद में ठंडा होने के बाद ही इसको पुटिंग के काम पे अंडा और दूध को मिलाने का। तो पहले मैं दूध को अच्छे से उबाल लेता हूँ, बाद में आती हूँ। क्या है ना, दूध उबालने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो सुबह सुबह काम शुरू कर देना पड़ता है इसके लिए। मैंने सोचा था रात को दूध को उबाल के रख दूँ। तो मैं यहाँ पे चार अंडा ले लिया, और अभी अंडा को पानी में इसीलिए धो के यूज करूंगी कि गंदा होता है ना, बाहर से लेके आते के लिए। और ये एग जो है ना बिल्कुल नॉर्मल हो गया अभी ऑलरेडी। तो मैंने क्या करता हूँ पता है, लोग जो ये पोटिंग बनाती है तो अंडा को तोड़ के बहुत आधा घंटा 1 घंटा लगा के वेक्स करते हैं, ऐसे ऐसे करके वेक्स करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सिंपली इसके अंदर कर देता हूँ और ब्लेंड कर देता हूँ। इससे क्या होता है ना, बबल्स होता है, बबल्स आधा घंटा 15 मिनट रहता है ना, बबल्स भी एकदम बेनिश हो जाता है। तो ऐसे भी दूध गर्म है, अभी दूध उबल रहा है, तो तब तक अंडा को ऐसे इसको मिक्स कर देता हूँ। तब तक जो बबल निकलेगा ना, तो बबल भी सब बेनिश हो जाएगा। उबल गया अच्छी तरह से, अभी चूल्हा भी बंद कर दूंगी मैं, लाल लाल हो गया। ज्यादा उबलना नहीं चाहिए, ज्यादा उबलेंगे ना दूध तो बाद में जो पुटिंग बनेगा ना तेल तेल लगेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ब्लेंड कर देता हूँ और मैं इसको शक्कर थोड़ा डालूंगी, तो कैरेमल डालना है ना, इसीलिए कैरेमल बनाना है तो शक्कर थोड़ा डालना पहले, ज्यादा नहीं। इसमें ज़्यादा मीठा इसलिए नहीं डालूंगी, बिकॉज कैरेमल में भी शक्कर होता है, तो दोनों का एडजस्ट करके डालना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कैरेमल के लिए शक्कर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम शक्कर ले ली, और अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं बस। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा इलायची डाल सकते हैं, क्या ना फ्लेवर के लिए, अंडा का जो फ्लेवर आता है वो चली जाएगा। तो अभी घर पर इलायची नहीं है मेरी, ख़त्म हो गया, तो घर पर पड़ा है 3-4। ये देखो एसेंस है, ये फ्लेवर है वेनिला। इस थोड़ा सा 1 ड्रॉप डालेंगे दूध के अंदर बस। इलायची होगा तो इतना इलायची कैरेमल के अंदर डाल देना, बहुत अच्छा इलायची से बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो इलायची होगा तो इलायची इसके अंदर खुल के डाल देना, तो इलायची के अंदर से बहुत अच्छा खुशबू आता है। वेनिला एसेंस भी बहुत बेस्ट है, तो एसेंस इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत लोगों को पसंद है पर मुझे पसंद नहीं ज़्यादा। तब से दूध को हिलाया नहीं था, 2 लीटर दूध गाढ़ा होकर बिल्कुल लाल लाल हो गया, क्या ना गोल्ड वाला दूध लिया था ना, फुल क्रीम वाला। और इसमें शक्कर ऐड किया, इसमें भी शक्कर है, इसलिए इसमें शक्कर कम डालना चाहिए पहले। तो अभी हो गए कैरेमल रेडी, परफेक्ट वाला कैरेमल बन गया। अभी जल्दी से ट्रांसफर कर लेता हूँ, नहीं तो काला हो जाएगा।
तो मैं जल्दी से ट्रांसफर कर लिया, नहीं तो ये बिल्कुल लाल लाल काला हो जाएगा एकदम, तो अच्छा नहीं लगेगा एकदम भी। तो चारों तरफ से लगा देता हूँ। अभी एकदम बैठ जाएगा अंदर। तो मुझे अच्छी तरह से हो गया, अभी सेट हो जाएगा, 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा ना, तो सेट हो जाएगा अच्छी तरह से। दूध एकदम ठंडा हो गया अभी एकदम। तो ठंडा होने के बाद उसको अभी डाल दूंगे अंडा के अंदर। मैंने एग को पहले मैंने चार एग डाल दिया था इसके अंदर और थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया। तभी जो फोम है ना, थोड़ा सा हिलाएंगे ना फोम टूट जाएगा। और दूध को ना ठंडा होने के बाद ही मिलाना, नहीं तो बिल्कुल हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ये अंडा और दूध है ना मिलके कुछ जाएगा। कुछ अलग ही बन जाएगा उसको, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। हाँ अंकिता ले, तुम्हें क्या ना इसीलिए ब्लेंड कर लेता है एक साथ में। देखिए दूध के अंदर बहुत सारा मलाई है और मलाई में अगर तोड़ने जाऊंगी ना, छानने जाऊंगी ना, तो छान के इतना सारा मलाई निकलेगा और फेंक देना पड़ेगा। इससे अच्छा उसको अभी ब्लेंड कर लेता हूँ, इससे काम भी इजी होगा और बहुत जल्दी फाइन भी बन जाएगा। देखिए एकदम एकदम फाइन बन गया, अगर मैं मिलाने जाऊँ ना तो इतना फाइन नहीं बनेगा। और देखिए इसके अंदर बबल्स कितना ज़्यादा, मैंने इतना इसको हिलाया ऐसे करके, क्या अंडा के अंदर बबल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर भी बबल्स रहते हैं। बबल्स कैसे से किया ना, सब बबल्स निकल गए, तो एक भी बबल्स अंदर नहीं होना चाहिए। बबल्स होगा ना तो जो पुटिंग है ना वो अंदर से मतलब खुला खुला हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो ज़्यादा डालते ना फ्लेवर आता है, मुझे पसंद नहीं आता है। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और कैरी मिल देखो कितना अच्छा जम गया एकदम। ढक के रखने पड़ेगा, ऐसा कोई ढक्कन वाला आपको नहीं मिले ना तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे रैपिंग करके आप रख सकते थे, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं इसमें, अंदर रख दे। क्या ना अभी जो ढक्कन है, अगर ढक्कन नहीं रहता ना तो मैं इसको एल्यूमिनियम पेपर से इसमें कवर कर देती, तो इससे क्या ना ऊपर का भी अच्छे से कलर आ जाता है और ऊपर का कलर का जरूरत भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो नीचे का कलर आता है ना उससे भी इम्पोर्टेंट होता है, मैं तो बाद में टर्न कर देते उल्टा कर देते ना इसीलिए। तो अभी मैं इसमें डाल देता हूँ कैरेमिल के अंदर को दूध, और इसमें थोड़ा पाउडर मिल्क में मुझे डालना था, लेकिन पाउडर मिल्क मैंने नहीं डाला बिकॉज ये जो दूध है ना बहुत गाढ़ा हो गए थे, तो इसलिए मैं पाउडर मिल्क नहीं डाला। और गरम पानी के अंदर अभी डाल दूंगी इसको, अभी कर देता उसको बंद, सीधा उसको खुलूंगी मैंने 1 घंटा बाद। अभी इसको हाई फ्लेम में इसको होने देता हूँ, 1 घंटा बाद ही होगा क्योंकि बहुत मोटा पुटिंग बनने वाला है, कम से कम 4-5 इंच का ऊंचा होंगे, इतना ज्यादा मोटा। तो चलिए और उसको बनने के बाद ही देखा था कैसा होता है, उसको ठंड करेंगे फ्रिज में रखने के बाद, तब तक बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है। और अभी मैं 1/2 घंटा फ्रिज में रखने के बाद उसको निकाल दिया और ये हो गए थे 2 घंटा लग गए होते होते, मैं उसको वीडियो में कैप्चर नहीं किया और मैं देखा था। अभी इस बार बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं बना, पता नहीं जल्दी जल्दी बना दिया मैंने, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं बना था। ये जो पानी निकला है इसे पानी निकलता है थोड़ा बहुत। तो पुटिंग देखने में जैसा भी हो लेकिन खाने में बहुत ही बेहद अच्छा बना था, बिकॉज ऐसा होने के कारण वो है, और पुटिंग को बनाने के बाद चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है, और हमारे घर पे आया था उस दिन गेस्ट, और मैं बहुत जल्दी जल्दी में थी तो उसको 4-5 घंटे के लिए रेस्ट चाहिए होता है, तब जाकर अच्छे से सेट हो जाता है। और मैं उसको 1 घंटा भी फ्रिज में नहीं रखा, बाहर जब हल्का सा नॉर्मल हुआ तो भी इसको टर्न कर दिए थे, इस वजह से वो थोड़ा सा इधर उधर चिपक गई थी। लेकिन इसमें मत जाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है, बहुत ही अच्छा, मैंने काफ़ी बार बनाता हूँ, मैं 1-2 महीने बाद बनाती हूँ घर पे,
तो मैं बोला आप लोग को साथ भी शेयर करूँ। और इसके साथ क्या ना एग डालता हुआ एग का कोई फ्लेवर नहीं आता, जो लोग एग नहीं खाते उनको भी पता नहीं चला कि इसके अंदर एग है क्या नहीं है। तो चलिए आप लोग भी ट्राई करना। बाय बाय।